नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में पहुंचा मॉनसून। उत्तराखंड में 9 दिन देरी से पहुंचा मॉनसून, मौसम विभाग ने की मॉनसून आधिकारिक घोषणा। 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधा देहरादून से आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून पहुंच चुका है। उत्तराखंड में 9 दिन देर से पहुंचा मॉनसून। साथ ही आपको बता दें, मौसम विभाग ने मॉनसून आधिकारिक घोषणा कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं। तो वैभव, राजधानी देहरादून में इस वक्त किस तरीके का मौसम बना हुआ है, एक बार अपडेट दे दीजिए। नैना, मैं आपको बता दूं कि रात भर से यहाँ पर बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहावना यहाँ पर हो चुका है। वहीं अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो उसके जो डायरेक्टर हैं उनके विक्रम सिंह नेगी, उनका कहना है कि जो मानसून है इस समय 9 दिन देरी से यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंचा है, जिसके बाद से जो मौसम विभाग ने मानसून आने की आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर कर दी है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश पर अलर्ट भी जारी किया है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कुमाऊं रीजन में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। बात करें अगर मैदानी इलाकों की, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नैना जी, तो वैभव, इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है और साथ ही लोगों को क्या कुछ हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है? नैना, जो प्रशासन ने पूरा मुस्तैद समय दिखाई दे रहा है, उन्होंने लगातार यहाँ पर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो भी यहाँ पर आपदा प्रबंधन की बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुख्य सचिव है एसएस संधू के द्वारा भी यहाँ पर बैठक की गई है। तो उनका साफ तौर पर कहना, जो प्रशासन ने उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर हिदायत दी गई है, जो पहाड़ी रास्ते हैं उन पर थोड़ा संभल कर चलने की यहाँ पर जरूरत है जनता, क्योंकि बरसाती मौसम है तो जो पहाड़ों का गिरना, जो बोल्डरों का गिरना है वो लगातार यहाँ पर जारी हो सकता है। साथ ही साथ जो भूस्खलन है उसकी भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। नैना जी, तो वैभव, जो लोग फुटपाथ पर अक्सर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है? ना, उनके लिए भी प्रशासन ने रैन बसेरे यहाँ पर खोल दिए हैं, जिनकी साफ सफाई यहाँ पर प्रशासन द्वारा कराई गई है। नगर निगम के अधिकारी हैं और लगातार यहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, ना कि जिससे कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो उसे तत्काल यहाँ पर प्रभावित करके यहाँ पर जो आपदा कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है उससे यहाँ पर जानकारी ली जा सके। नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि देहरादून का मौसम भी काफी बदल चुका है। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, ऑरेंज अलर्ट पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में जो प्रशासन की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और मॉनसून विभाग ने मॉनसून आधिकारिक घोषणा कर दी है। वहीं 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र में सबसे अधिक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा देहरादून से।